शिवपुरी के नरवर थाना क्षेत्र के 3 मंदिरों से घंटे चोरी होने की वारदात की गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को शिकायत की, पुलिस ने प्रकरण कायम कर विवेचना में ले लिया था। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया एवं SDOP करेरा डी शर्मा को आरोपियों की शीघ्र पतारशी एवं माल बरामदगी निर्देशित किए जाने पर थाना प्रभारी नरवर मनीष कुमार शर्मा ने एक टीम का गठन किया। इस टीम में शामिल उप निरीक्षक मनीष जादौन, चौकी प्रभारी मगरोनी ने साइबर सेल के माध्यम से निगरानी शुरू की। पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाला एक आरोपी ग्वालियर से, 2 आरोपी जिला मुरैना से पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपियों से 31 पीतल के घंटे जब्त किए तथा चोरी के घंटों में से 3 घंटे एक कबाड़ी को ग्वालियर में बेचे जाना बताया। उक्त कबाड़ी से 3 घंटे जब्त किए गए तथा सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मंदिरों में जाते थे, ये बड़ा सा असंतोष और रोष की बात थी कि ये कैसे हो गया। और निश्चित तौर पे जब ये अंदाज किया गया तो ये जो घंटे थे काफ़ी वजनी थे, तो ये दिमाग में आए कि कोई ना कोई फोर व्हीलर का इस्तेमाल इसमें जरूर किया गया। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट SP साहब भी और हमारे SDP GD शर्मा करेरा और TI मनीष शर्मा, इन्होंने टीम बनाई और इसमें एक क्लू हमको मिला जिसमें हमने साइबर सेल की मदद से उसकी वेरिफिकेशन किया कि क्या इस तरह का मूवमेंट हुआ है क्या। तो उसमें हमारे पास 3 लोगों के नाम आए और उनमें उनका पता लगाकर मनीष जादव जो हमारे चौकी प्रभारी मगरोनी है और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत करके इन तीनों को पकड़ा है। ये तीनों जो हैं, 2 मुरैना के रहने वाले, 1 ग्वालियर के रहने वाला है, तीनों एक गाड़ी से लेके आए थे यहाँ पर और ये तीनों मंदिरों में उन्होंने घंटे निकाल के लेके गए। इनसे 31 घंटे बरामद किए हैं, करीबन 1.3 क्विंटल के मंदिर के घंटे हैं और इनके साथ में एक राठौर करके भी है वहाँ का ग्वालियर का ही महेश राठौर, जिसने ये घंटे खरीद लिए थे, उसके यहाँ से घंटे जब्त किए गए हैं, उसको भी मूल्य बनाया। तो इसमें 4 आरोपी हैं हमारे पास। इससे बातचीत में प्राथमिक जहाँ बातचीत हुई है जिसमें ये पता चला है कि ये आसपास भी इस तरह की वारदातें पहले भी आसपास के जिलों में यहाँ पे भी और राजस्थान में भी करते हैं रहे। अब इनसे वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे भी इनको रिमांड पर लेके। तो एक बड़ी अच्छी सफलता हमारे थाना नंबर और मगरोनी की टीम को मिली है और ख़ासतौर से यहाँ की जनता में उसके लिए बड़ी खुशी है कि ये का उनकी जो आस्था का चीज़ थी उनको वापस कर दी, सही सलामत मिल गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।